तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू किसी और की हो न जाना। कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हां कर या ना कर, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फिर मुझे फोन कर रहा है। कोई फोन नहीं कर रहा, कोई फोन नहीं कर रहा। चलो उठो, उठो। तुम्हें कोई घंटी नहीं सुनाई दी? मैं कुछ नहीं सुनाई दी। देखो फोन फिर बजा है। अब घंटी सुनाई दी तुम्हें, सुन रहे हो ना तुम? उठाना मत, उठाना मत उसे। मैं जानती हूँ किसका फोन है, मत उठाना। मैंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी, नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। जान, कोई फोन नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई फोन नहीं कर रहा। सुनील मुझे बचा लो प्लीज, मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ। मुझे बचा लो प्लीज, मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ। सुनील प्लीज, मैं पागल नहीं होना चाहती हूँ। प्लीज सुनील, मैं पागल नहीं होना चाहती। मैं इस्तीफा देना चाहूं। नो सुनील, नो। तुम एक मरीन कमांडो हो और हमारी परंपरा यह है कि अगर जहाज डूब रहा हो तब भी कैप्टन उसे छोड़कर नहीं भागता। और तुम्हारी जिंदगी में एक मामूली सा तूफान आया है और तुम सबको छोड़ देना चाहते हो? कैसे ऑफिसर हो तुम? तूफान का मुकाबला करो और अपने जहाज को किनारे तक ले आओ। बी ब्रेव। मगर सर, मैं कोशिश करके तुम्हारी लीव बढ़ा देता हूं। सर, आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान करेंगे? एहसान नहीं, मैं तुम जैसे ऑफिसर को खोना नहीं चाहता। थैंक यू सर। किरण की तबीयत ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। कहां लेकर जा रहे हो उसे? कुछ तय नहीं किया, बस यहां से बहुत दूर जाना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बात याद रख, हल जब तक पेड़ पे हो अच्छा लगता है, हाथ में आते ही उसकी जगह दांतों में होती है। आशिक भी जब पति बन जाता है तो रंग बदल देता है। नहीं, मेरा शरीर कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तुम दोनों को हनीमून पर जाता देखकर मुझे अपना हनीमून याद आ गया। आप हनीमून पर गए थे? ब्रेवान स्टेडियम में। अरे मेरे जैसा हनीमून तो ब्रैडमैन से लेकर गावस्कर कर कितने ने मनाया होगा। बेशरम, अपने हनीमून के किसे पब्लिक को सुनाते हैं क्या? मैंने हनीमून ही पब्लिक को मनाया था। जानते मैंने सुहागरात कैसे मनाई थी? आपने सुहागरात भी? क्या किया था? रात का समय था, फ्लड लाइट चली हुई थी बाराती पिच पर, और फिर सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे सच तो सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री में बोला जाता है, क्योंकि झूठ बोलने का चांस ही नहीं होता। चलते हैं। जाओ भाई, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान तुम्हें इसी टेस्ट मैच में कामयाब करे। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं भी पढ़ता हूँ इनके पाँव। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।
मेरी डार्लिंग, सुहाग रात के बारे में बात करने लगे। अरे किसी के सामने कुछ भी बोल दे। जरा देखिए, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा किस फ्लाइट पर हैं? सॉरी, पैसेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। मैडम, मुझे एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना है उनको, प्लीज। सॉरी, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता। ठीक है मैडम, आप अपना फर्ज अदा कीजिए मैडम, लेकिन याद रखिए, एक मासूम बच्चा जो अभी अभी अनाथ हुआ है, एक जवान लड़की जिसने आधे घंटे पहले अपने हाथों अपनी सुहाग की चूड़ियां तोड़ी हैं, कभी माफ नहीं करेंगे आपको, कभी माफ नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैडम, आपके पैसेंजर्स मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा कोसेंगे आपको, कोसेंगे मैडम, क्योंकि वो तो वहां पर हनीमून बना रहे होंगे और यहां उनके भाई की अर्थी को कांधा देने के लिए गैर लोग आएंगे मैडम। तो क्या मिस्टर मल्होत्रा के भाई की डेथ हो चुकी है? जी मैडम, इसलिए भाग कर आया हूँ यहाँ पर मैं, यह खबर सुनील को पहुंचानी बहुत जरूरी है। I'm sorry, मैं अभी देखती हूँ। एस मल्होत्रा, के मल्होत्रा, फ्लाइट 207 टू गोवा। गोवा? जी, लेकिन सॉरी, फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, कोई मैसेज नहीं दिया जा सकता। कोई बात नहीं मैडम, मैं खुद गोवा चला जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आ रहा हूँ किरण। अच्छा ये बताओ, कि हम यहाँ तक आ गए मगर गोवा नहीं गए, क्यों? हम लोग गोवा नहीं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। दो घंटे बाद हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ होगी। उसने अब तक पता कर लिया होगा और वो गोवा जाने की तैयारी कर रहा होगा। हमारे होटल में कोई ठहरे नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा आपके होटल में ठहरे हुए हैं क्या? काई को पूछता है तू? मैं उनका दोस्त हूँ, मिलने आया। तो तुम्हारा दोस्त ने तुमको बरोबर एड्रेस नहीं दिया है? एड्रेस तो दिया था, लेकिन मुझसे खो गया है, इसलिए यार होटल में ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है कि होटल से होटल पूछता है, उधार लेने का है क्या? अरे आप सिर्फ इतना देखकर बताइए ना कि सुनील मल्होत्रा यहाँ पर है कि नहीं। वो मारता है, अभी तो अपन कभी भी नहीं दिखाएगा। आंटी आंटी, आप गुस्सा मत होइए ना प्लीज, आई एम सॉरी। अब देखकर बताइए ना कि मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा यहाँ पर ठहरे हुए हैं या नहीं। रंगवाल भाई, इधर में कोई मल्होत्रा फल्होत्रा नहीं, कहाँ से आ जाता है सब खाली फोकट फोकट में मेरा भेजा खाने को। ए, तुम कौन होता है हमको रोकने वाला? इसमें चार पटियाला ताक डालो, चलो डालो। साहब गिर जाएगा। गिर जाएगा तो गिर जाए, तो हमारा दारू है ना, तुमको क्या करना, पैसा कौन दिया? मैं दिया ना। दाओ, चलो दाओ। विकी वे लादे बट बट यार, किधर कॉलेज के बाद मिले? हाँ यार, कैसा है तू? बस ठीक हो यार, तू कैसा है? बस ठीक हूँ यार, तुझे देख के कॉलेज के तरी याद आ गया मेरे को। वो सुबह से शाम तक सारा हंसी मजाक मस्तियाँ शरारते लड़कियों को छपरे लोगों को छेड़ना। ले गया ले गया बॉस के वास्ते। ए देखिए, ये क्या कर रहा है तू यार? अगर ये नशा ना हो तो सारी जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाए। अरे तू बता यार, उस लड़की का क्या हुआ जिस पर तू जान छिड़का कर रहा? मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी,
अरे मुझे जरूर बुलाना। तेरे लिखे हुए खत जो तू मेरे पास जमा करवाता था, वो सारी चीजें जो उसकी थी तूने मेरे पास जमा करवाई थी, आज तक हमारे पास पड़े हुए हैं। वेरी गुड। मैं उसे प्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं मर जाऊं तो मेरी तरफ से उसे गिफ्ट में दे दे। ए, मारूंगा साले, ये मरने मरने की बातें मत कर, तुझे तो भी बहुत दिन जिंदा रहना है। क्या मुश्किल है, जवाब दे चुका है। दिल की हालत भी कुछ अजीब सी है और मेरे और लाइफ के बीच में एक बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। कब बिल्ली चूहे को सारा पकड़ लेती है। गॉड नोज। चेयर्स चेयर्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चेयर्स फॉर योर लॉन्ग लाइफ, चेयर्स फॉर योर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या? किरण।
स्थान से हम गुजर के जीते और जान से बात है यार, मज़ा आ गया ये सॉन्ग सुनकर। बाकी तो यार सुनील ने अच्छा गेम खेला, मतलब बेचारे हमारे बाजीगर को इस तरह चक्कर दिलाया ना, गोवा जा रहे और गोवा से सीधा स्विट्जरलैंड में भाई ये एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यार ये मैं बात कहूँगा कि इस मूवी ने यार अच्छा मैसेज दिया है उन लड़कियों को जो अपनी खूबसूरती को शो करती हैं लोगों में, तो भाई ये मतलब बच के रहना चाहिए क्योंकि इस तरह पागल सरफरे भी फिरते रहते हैं, अगर नज़र पड़ गई फिर भाई पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और आज देखो आप किस तरह ये किंग खान पागल हो गए, मतलब खून से अपने दिल पे नाम लिख दिया, तो ये बड़ा डरावना सीन है। बाकी यार इनकी भी हमने खुशी देखी तो बड़ा मज़ा आया। हाँ यार किंग खान का ये वाला चेहरा भाई हमने भी कभी सोचा नहीं था भाई, ये वाला चेहरा किंग खान का हम देखेंगे। और भाई ये क्या है, खतरनाक है, पूरा बन गया है भाई, अपने पूरे सीने पर छाती पर लिख रहा है उसका नाम किरण का भाई, हम भी हैरान है भाई। और दूसरी तरफ यहाँ पर किंग खान का साया नहीं है तो कितने खुश हैं भाई, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं भाई, ये किंग खान समझ जाए ना तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर यार किंग खान तो पागल हो गए पूरा, उस लड़की को बेचारी को पागल कर दिया थोड़ी देर के लिए, पर भाई उसको भाई तारा सिंह ने संभाल लिया और कहीं दूर लेकर चला गया, ये मुझे अच्छा लगा यार।